लेकिन सबसे पहले जिस सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बड़ा खास है वो सेशन आपसे जुड़ा हुआ है आपके घर परिवार के हर एक सदस्य से जुड़ा हुआ है बात नौकरी की होगी बात प्रदेश के विकास की होगी बात आर्थिक वृद्धि की भी होगी और इसीलिए इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कैबिनेट में मंत्री हमारे साथ सुखराम बिश्नोई जी कार्यक्रम में मौजूद हैं मैं चाहूंगा सर आप मंच पर आए प्लीज आपका स्वागत है और जितने हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं ताली बजा करके मंत्री साहब का स्वागत करें दरअसल कैबिनेट में जो विभाग इनके पास है जो मंत्रालय इनके पास है वो बड़ा खास है कोऑर्डिनेशन सभी के साथ करना है और विकास का काम पूरा करना है सर प्लीज आप बैठे और अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से सर बहुत स्वागत है आपका शुरुआत कर रहा हूं सर सरकार के 2030 के विजन को लेकर के कोई भी सरकार होती है बात आज की करती है लेकिन आज की सरकार है वो बात कल की कर रही है पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है आज की चिंता करते करते हैं साथ ही 2030 हमारा किस तरह से हो प्रत्येक क्षेत्र में चाहे कृषि हो चाहे उद्योग हो व्यापार हो स्वास्थ्य हो शिक्षा हो तमाम क्षेत्र में दस गुना बढ़ोतरी चाहते हैं आज एक आदमी पाँच सौ रुपये कमा रहा है तो वो 2030 में मतलब सात चार हजार तीन हजार प्रतिदिन कमाए ये सोच लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने मिशन 2030 शुरू किया है कई शहरों में वो जाके भी उन्होंने मीटिंगें भी ली है लोगों से मिले हैं संवाद भी किया है और बढ़िया उसका रेस्पॉन्स मिला है लेकिन सर एक चीज और कई ऐसे काम हैं आप 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना के अंदर जो मरीज आते हैं उनके लिए दे रहे हैं केंद्र सरकार 5 लाख रुपए देती है ये इतना बड़ा अंतर मतलब केंद्र सरकार कहती है कि हम मरीजों का इलाज करने के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हैं आपकी सरकार 25 लाख रुपए दे रही है चिरंजीवी योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है पच्चीस लाख रुपए एक पूरे परिवार को चाहे उसके घुटने बदलवाने हैं हार्ट बाईपास करवानी है या कोई इलाज किसी तरह का जांच है तमाम फ्री है आज आप महसूस कर रहे हैं कि पहले किसान को चिंता होती थी कि मेरा हार्ट खराब है बाईपास करवानी है या ये घुटने बदलवाने हैं कहीं गहने गिरवी रखने पड़ती थे खेत बेचना पड़ता था लोन लेना पड़ता था आज कोई चिंता नहीं है आप हॉस्पिटल जाओ तमाम जाँचें कराओ तमाम तरह की ऑपरेशन है तमाम तरह की सुविधाएं पच्चीस लाख में तक सीमित की गई है साथ ही दस लाख रुपये परिवार में भगवान करे नहीं हो दुर्घटना हो जाए तो उस परिवार को मजबूती प्रदान करने के लिए संबल देने के लिए दस लाख तक का बीमा भी जनजीत योजना में कर रखा है दूसरी तरफ देख रहे हो कि केवल मात्र भारत सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है उसमें पाँच लाख तक की राशि दी गई है कहीं भी लोगों ने आज दिन तक रिलीफ नहीं लिए केवल मात्र मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ई एस हॉस्पिटल बने हैं वहाँ तक वो सीमित है बाकी आम लोगों को जानकारी नहीं इस भारत सरकार की योजना लेकिन ये 25 लाख रुपए जो आप चिरंजीवी योजना के जरिए देते हैं इलाज करवाते हैं इसके बारे में लोगों को पता पच्चीस पच्चीस लाख रुपये केवल मात्र सरकारी हॉस्पिटल तक सीमित नहीं है पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक ब्लॉक पर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है और जो नामी ग्रामीण हॉस्पिटल है उनको भी चुन से जोड़ा गया लोगों की आम धारणा होती है कि सरकारी सुविधा ठीक नहीं होकर प्राइवेट में जाएंगे प्राइवेट को भी इस चरजी से जोड़ दिया ताकि वहाँ भी रिलीफ लोग ले सकते दरअसल क्या है ना हम इस सेशन के अंदर मंत्री जी से उनके सिर्फ मंत्रालय की बात नहीं करेंगे हम प्रदेश में सरकार क्या काम कर रही है हम उनसे वो भी जानेंगे सर एक चीज बताइए शिक्षा विभाग को लेकर के अक्सर कहा जाता है कि उसमें नई भर्तियां कब होंगी टीचर्स को लेकर के टीचर्स लगातार कई बार सवाल भी उठाते हैं नई भर्तियों का क्या उसमें अभी नजर आ रहा है पांच साल से भर्तियां चालू है प्रत्येक डिपार्टमेंट में भर्तियां की गई है शिक्षा विभाग में ज्यादा भर्ती की गई है अभी भी काउंसलिंग के मार्फत पी के लेवल फर्स्ट के लेवल सेकंड के लेक्चर के तमाम तरह के जो टीचर हैं उनकी भर्तियाँ चालू हुए स्कूलों में लग रहे हैं ये पहला स्टेट है जहाँ मतलब नौकरी पे जोर दिया गया है साथ ही मतलब स्कूलें इतनी खोली गई है कि मेरे एक विधानसभा क्षेत्र ले, ले लो एक सौ सत्रह स्कूलें खोले गए मैं सेवेंटी में भीनवाल मेरे पास में लोग वहाँ पढ़ता था और पचास साल के बाद में जाकर के मैंने माननीय गहलोत साहब से आग्रह किया कि मेरे विधानसभा में दो फंड में कहीं भी कॉलेज नहीं है एक साथ दो कॉलेज सरकारी कॉलेज खोले गए दो आई टी आई कॉलेज खोलेंगे एक संस्कृत कॉलेज खोले खोलेंगे जिस विधायक ने स्कूल की कॉलेज की जिसकी मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा पूरी की है माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे तो इसी आधार पर जो बैकवर्ड जिले हैं जहाँ शिक्षा का स्तर कम है उन पर बहुत जोर दिया गया है जो हमने जनप्रतिनिधि मांग की उन मांग की मुख्यमंत्री ने पूर्ति की है आज लोग बड़े खुश हैं अभी दो दिन पहले हमने जो स्कूलें खोली थी उनका शुभारंभ गए थे तो पूरा गांव का गांव डीजे लेकर के स्वागत के लिए उमड़ा था बड़ी खुशी लोगों के अंदर तो गहलोत साहब ने शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया अच्छा एक चीज़ और भी है स्कूलों के खुलने से एक और रास्ता खुला है बेटियाँ जो घर में रहती थी चाहती थी पढ़ना लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि स्कूल दूर हुआ करते थे लेकिन अब ये रास्ता साफ हुआ है अगर महिलाओं के लिए स्कूल आसपास ही खुल जाएंगे तो उससे बड़ा फायदा मिलेगा सर क्यों यही हुआ है ना सुबेद जी बात आप सही कह रहे हैं पहले जो स्कूलें खुलती थी दसवीं तक खोलती सेकेंडरी तक खोलती थी तो सेकेंडरी में लड़के ड्रॉप आउट होकर के स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूर थी गहलोत साहब ने निर्णय लिया शुरुआत में कि हम सीधे ही सीनियर सेकेंडरी खोलेंगे सेकेंडरी नहीं खोलेंगे सीनियर सेकेंडरी में पढ़ने के बाद में लड़की लड़की की उम्र सत्रह साल हो जाती है 17 सत्रह साल में लड़का लड़की सक्ष सक्षम हो जाते हैं वो आराम से नज़दीक कॉलेज में जा कर के हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं तो कुल मिला कर के जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है ये तमाम विधायकों की मांग थी और बहुत ही कारगर साबित हुआ है लड़के अमून लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो जाती हैं स्कूल आठवीं के बाद में दसवीं दूर है तो फिर सीनियर सेकेंडरी दूर तो सेकेंडरी के बाद में सीधी सीनियर सेकेंडरी खोलने के बाद में आ, पिछले दो तीन साल से तमाम लड़कियाँ स्कूल से कभी स्कूल की छुट्टी ड्रॉप आउट नहीं होती स्कूल नहीं छोड़ती क्योंकि उन्हें दिखता है कि हम सीधी तक सत्रह साल इसी एक स्कूल में पढ़ेंगे और सत्रह साल के बाद में जब बिल्कुल सोचने में समझने में और वाकिफ हो जाएंगे तो पास में कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ सर एक और सवाल भी है अक्सर जब भी शिक्षा को लेकर के बात की जाती है तो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को मिल सके सरकारी स्कूलों में मिल सके इसको लेकर के अक्सर बात होती है इसमें सवाल सर ये भी है कि हम क्योंकि कोई भी पेरेंट है वो यही चाहता है कि अगर वो नहीं इंग्लिश सीख पाए या पढ़ पाए तो कम से कम उनका बच्चा जरूर सीखे स्कूलों के अंदर ये सुविधा मिले तो राजस्थान की सरकार ने इसको लेकर के भी काम किया है सर उसमें क्या बताना चाहेंगे और इसका बदलाव क्या नज़र आया है बच्चे अब जो पहले सिर्फ हिंदी बोला करते थे इंग्लिश स्कूलों में जाने के लिए बहुत नहीं था पैसा नहीं था जेब में लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी हो पा रहा है माननीय गहलोत साहब ने हमारे शिक्षा मंत्री जी ने साइंस फैकल्टी पे ज़्यादा जोर दिया और हमारी जो जनप्रतिनिधि मांग थी कि हमें साइंस फैकल्टी खोली जाए तो करीब करीब सभी क्षेत्रों में एक एक विधानसभा क्षेत्र में सात आठ स्कूलें विज्ञान की खोली गई साथ ही कॉमर्स की भी खोली गई इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण श्रेय जाता गहलोत साहब को उन्होंने पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव के स्तर पर खोली है और इंग्लिश इतनी महंगा पढ़ाई महंगी थी कि प्रत्येक माह बीस पच्चीस हज़ार रुपये गाँव के, के आदमी को देने पड़ते थे शहर के आदमी देने पड़ते थे परंतु जो प्राइवेट स्कूल थी उसके पैरेलल इंग्लिश खोलने साथ ही उसमें टीचरों को इंग्लिश के जो तो बढ़िया पढ़े लिखे होशियार लड़के थे उनको बाकायदा उसमें पोस्टिंग दी गई और आज की तारीख में प्रत्येक गांव का आदमी जो पहली बार स्कूल खोली तो एक होड़ मसी हुई थी कि मेरे लड़के को फर्स्ट ईयर पहली कक्षा में प्रवेश दिलाएंगे कुल मिलाकर के इंग्लिश उसको खोलने से एक संदेश गया है कि गहलोत साहब जो हिंदी की बात करें साथ में इंग्लिश मीडियम की बात करें क्योंकि आर एस आई पी एस क्लब साहब अपने बीच में बैठे हैं आई एस आई आई पी एस के जो एग्ज़ाम होते थे वो इंग्लिश मीडियम होते थे तो एक मन में टीस रहती थी गांव के लोगों के हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाए इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया जो इंग्लिश मीडियम थे उनका सिलेक्शन हो गया वो जो मन में पीड़ा थी गाँव के मन में लोगों का तो दर्द था वो पीड़ा माननीय गहलोत साहब ने दूर की और आज मैं एक मेरे विधानसभा कह सकता हूँ मेरे विधानसभा में तेरह दो तहसील हेड क्वार्टर पर खुले थे बाकी गाँव में जहाँ हमने मांग की तेरह चौदह इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले बाकायदा लोगों में खुशी है कि हमारे बेटे बेटी भी इंग्लिश पढ़ेंगे और अफसर बढ़ेंगे और बड़े आ, बड़े उद्योग धंधा में आगे जाके इंग्लिश तब बोलना बोल पाएंगे तो हर क्षेत्र में वो कामयाब होंगे तो ये तो रही बात शिक्षा की लेकिन इसमें इसमें सर एक मैं सवाल और जोड़ना चाह रहा हूँ ये पाँच सौ में गैस सिलेंडर का कैसे सोचा मतलब ठीक है केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के जरिए उन्होंने सिलेंडर भिजवाए लेकिन दाम जो है वो उसको लेकर के बार बार सवाल उठते हैं कि इतना महंगा हो गया सिलेंडर लेकिन आप प्रदेश के अंदर पाँच सौ में सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना भारत सरकार ने चालू की तब बड़े वादे किए और एक सिलेंडर साथ में दिया उसके बाद में देना बंद कर दिया माननीय मुख्य माननीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब हमारे यूपी की सरकार थी तब 340 सौ में गैस सिलेंडर मिल रहा था उसको बढ़ाते बढ़ाते ग्यारह सौ छः ले गए अब आज मैंने पूछा तो चौदह पॉइंट दो केजी के जी गैस सिलेंडर के नौ सौ छः रुपये लगते हैं और प्रधानमंत्री जी ने कल जो दिन घोषणा की कि तीन सौ रुपये चार सौ रुपये मैंने पहले कम किए सौ आने से पहले मैंने दिल्ली में घोषणा की इसका मतलब पाँच सौ रुपये कम हो गए तो ग्यारह में से पाँच सौ निकाले तो छः सौ रुपये बचते हैं माने गहलोत साहब ने वो जो उज्वला पीड़ित परिवार थे उनकी दर्द को समझा और साल पर पहले घोषणा की इनके परिवारों को जब गैस नहीं खरीद पा रहे सिलेंडर तो मैं इनके खाते में प्रत्येक परिवार के पाँच सौ इनके खाते में डालूंगा आज ये स्थिति है कि राजस्थान की घोषणा गोश्ट, मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद में केंद्र सरकार ने उसमें बैकफुट में आई और उन्होंने गैस सिलेंडर के पैसे कम किए हैं वो केवल केवल मात्र उजली योजना में सौ रुपये में आज की तारीख में गैस सिलेंडर मिल रहा है अच्छा एक चीज़ और है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर सरकार की कोशिश होती है लेकिन राजस्थान के अंदर एक कोशिश और की गई है दरअसल इसमें यह किया गया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ शिक्षित किया गया उनको आगे बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन तक दिए गए कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको स्मार्टफोन मिला और उस स्मार्टफोन के जरिए उस मोबाइल फोन के जरिए उनकी जिंदगी बदल गई है सर इसके पीछे विजन क्या था ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार पहली बार जागरूकता आई थी आजादी के बाद लोग अपने आप को आजाद महसूस करने लगे उसके बाद में आज़ादी आई थी उन्नीस सौ में माननीय हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राहुल गांधी जी ने राजीव गांधी जी ने एक पंचायत एक्ट दिया पूरे प्रदेश देश में उस पंचायत एक्ट के तहत औरतों का रिजर्वेशन किया गया औरतों के साथ एस सी एस टी ओ का रिजर्वेशन रखा गया जो लोग परंपरागत से सरपंच बनते आ रहे थे पहली बार महिला सरपंच बनी एस की पहली बार एस की महिला सरपंच बनी ओबीसी की सरपंच बनी महिलाएं ताली बजा दें इसके लिए तो पहली बार महसूस हुआ कि हम सरपंच हैं और घूट निकालती थी धीरे धीरे चार पाँच साल चलने के बाद में आज जो महिला सरपंच बन रही है बिल्कुल कोई घूंघट उनके नहीं है बाकायदा खुद पंचायत में बैठती है पहले विपक्षी लोग आलोचना करते थे इससे कुछ होने वाला नहीं है उसका पति अंदर बैठता है या बेटा बैठता है ये फालतू कानून बनाए आज जो खुद महिला बैठती है खुद निर्णय लेती है खुद ग्राम पंचायत चलाती है खुद पंचायत समिति चलाती है और जिला प्रमुख एस सी एस बनी है ये एक्ट नहीं होता तो महिला को इतनी आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं मिलती और गहलोत साहब ने आज जो ये मोबाइल वितरण करना शुरू किया है गांव में बच्ची जो पढ़ रही है महिला एक महिला है इन महिलाओं को मोबाइल देने से हम जब मोबाइल कैंप में गए बाँटना बा, हमने, हमने बांटे तो बड़ी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी कि पहली बार हम मोबाइल ये छः सात आठ हज़ार का नहीं खरीद पा रहे थे और राज्य सरकार ने मान गहलोत साहब ने मोबाइल हमें दिया है इस मोबाइल के मार्फत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या मान लो दूसरी जो भी कार्यकर्ता है वो इनकी जो योजनाएं हैं उनकी जो मीटिंग के मैसेज हैं उनकी दूसरी जो आ, एक आंगनवाड़ी दूसरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात कर सकती है तो ये तमाम चीज़ें मोबाइल के मार्फ जानकारी लेना और एक आम आदमी को गरीब परिवार को मोबाइल वितरण करने से उनके अंदर एक इस तरह की भावना जागृत तो हुई है कि कोई तो हमारी सुनने वाला है कोई तो हमारे को मोबाइल देने वाला है तो ये एक बढ़िया संदेश गहलोत साहब ने पूरे प्रदेश में दिया है और लोग हमें टेलीफोन करके पूछते हैं हमें मोबाइल कब मिलने वाला है हमें मोबाइल कब मिलने वाला है और बार बार पूछते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा हमारे पंचायत नंबर कब कब आएगा तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक जो लाभार्थी है उस लाभार्थी तक ये मोबाइल पहुँचे ये हमारे कलेक्टर साहब अपने बीच में बैठे हैं ये पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे जिले के अंदर और बाकायदा जो कैंप लग रहे हैं उन कैंप में मोबाइल पूरी क्षमता के साथ पहुंचे जितने मोबाइल वितरण करने पूरी मोबाइल पहुंचे कई बार शुरू शुरू मामला ये शिकायत आई थी कि मोबाइल संख्या कम आ रही है तो वो भी पूर्ति हमने की है आ, कुल मिलाकर के ये जो मोबाइल वितरण की समस्या जो किए जा रहे हैं गहलोत साहब द्वारा ये बहुत बढ़िया योजना है इससे ये संदेश गया है कि टेक्नोलॉजी के अंदर गहलोत साहब मतलब कितने आगे हैं राजीव गांधी जब इस तरह की योजना पहली बार लेके आए थे कि टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लेके आए थे तो बीजेपी के लोगों ने बैलगाड़ी के बैठ करके यात्रा चालू की थी और आज खुद वो यूज़ में ले रहे हैं ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा योजना और बहुत बड़ा फ़ायदा लोगों को दिया है अब आप समझिए कि जब महिला घर पर रहती थी अब उसके पास कम से कम एक हथियार है उसके पास मोबाइल फ़ोन है उससे बहुत सारे उसके इस्तेमाल हैं परेशानी में है तो किसी से संपर्क कर सकती है रोजगार अगर वो करना चाहती है तो वो बिजनेस भी खड़ा कर सकती है उसी एक मोबाइल से तो आप देखिए कि आपको सशक्त करने के लिए जो मोबाइल की स्कीम है ये बहुत हद तक कई महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आई है मैं सर आगे बढ़ता हूँ एक और बड़ा मुद्दा जो कि प्रदेश के अंदर रहता है वो गिग वर्कर का रहा बड़े प्रदर्शन हुए बड़े सवाल उठे लेकिन सरकार ने उसको लेकर के भी दृढ़ निश्चय के साथ उस पर काम किया पूरे हिंदुस्तान में एक राजस्थान ऐसा स्टेट है तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया और बकायदा विधानसभा से पारित किया है और 200 करोड़ रुपए उनके प्रावधान में डाले हैं कि इनके अकाल मौत होने पर या बीमार पड़ने पर इनको ये सहायता दी जाए बकायदा उनका मतलब एक संगठन के तैयार हो गया है कानून बन गया है और जो उबर है ओला है जो खाना पहुँचाने लोग हैं डाक पहुँचाने लोग हैं जो मतलब दूसरों को सेवाएँ देते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं थी और वो खुद महसूस कर रहे थे कि हम तो केवल मात्र दो घंटे चार घंटे की नौकरी करते हैं कमा पाते हैं हमारा कोई धनी धोरी नहीं हमारा कोई सुनने वाला नहीं गहलोत साहब ने उनकी बात को सुना और बाकायदा एक हिंदुस्तान के अंदर ये पहला कानून गिग वर्कर का बनाए उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा कैसे हो उनका मतलब दिन भर कोई रोजगार नहीं मिले या बीमार पड़ गया तो बीमार जब बीमारी की हालत में जो कमा नहीं पा रहा है तो परिवार कैसे पालेगा उस बात को लेकर के गहलोत साहब ने उसको बड़ा सीरियसली सी लिया और मैं उस विभाग का मंत्री होने के नाते में आपको कह सकता हूँ कि दो करोड़ रुपये एक साल के लिए बहुत होते हैं इन गिग वर्कर्स के लिए क्योंकि आ, उनको निकाल देते हैं ने, उनको ग्रोथ छुट्टी मिलते हैं ने, कुछ नहीं मिलता है तो जब कानून बना शुरुआत की है तो धीरे धीरे उनको मजबूती मिलेगी और गिग वर्कर अपने आप को आज महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार गहलोत साहब ने हमारी बात को सुनी है और ये कानून बनाया इसकी तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में कानून बनेगा और मजबूती मिलेगी चलिए और इसके लिए बहुत साधुवाद सर कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आप ये बड़ा कदम उठाया गया है लेकिन सर मेरा अगला सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है जो आम जनता के मन में अक्सर सवाल रहता है हर किसी के मन में सवाल होगा नौकरी का क्योंकि जब बारहवीं पास हो जाती है दसवीं पास हो जाती है उसके बाद घर की तरफ से भी रहता है कि कॉलेज में एडमिशन हो और उसके बाद जो बच्चा है वो नौकरी करे अभी 2023 से लेकर के विजन 2030 तक नौकरी में क्या असीम संभावना है राजस्थान के अंदर है क्योंकि अक्सर लोगों के मन में अच्छा एक और भी सवाल रहता है नौकरी मतलब सरकारी नौकरी लोगों के जहन में रहता है थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइए देखो नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है एक पुरानी धारणा बनी होती है कि सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो मैं मेरा मेरा परिवार मैं चला जाऊँ तो मेरे पीछे औरत उनको भी पेंशन मिलेगी वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे एक दिमाग में धारणा थी परंतु वो धारणा आज धीरे धीरे टूटती जा रही है इसलिए टूटती जा रही है कि उद्योग और धंधे व्यापार जो है वो नौकरी से आगे बढ़ कर, करके हैं और माननीय गहलोत साहब ने पिछले पाँच साल में हर डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली जगह थी उनको पूर्ति की है आ, केवल केवल मात्र एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्योंकि स्कूलें ज़्यादा खुलने से उनकी भर्तियां भी चल रही है बाकी जितने भी डिपार्टमेंट थे जिन्होंने बकायदा उनका टेबल बना करके उनको चार्ट मांगा गया और जो उन्होंने मंत्रियों ने दिया बकायदा उनकी उनकी जो नौकरियाँ उनको दे दी गई है साथ ही हर क्षेत्र के अंदर मिशन दो का मतलब हुआ कि कई ऐसे आई भी निकले हैं कि नौकरी छोड़ करके उनके जैविक खेती की तरफ बढ़े बाकायदा उनकी जैविक खेती किस तरह से कई बार विदेशों में नौकरी कर रहे थे वो नौकरी छोड़ करके यहाँ अपने गांव में रह करके उन्होंने बाकायदा पोली हाउस तैयार करके और सब्ज़ियाँ उगानी शुरू की और जैविक सब्जियाँ जो पेस्टिसाइड ने डाल करके आज लोगों की जो महती मांग है आज जो बीमारी किस तरह फैल रही है उसको देखते हुए कई लोगों ने अपने हिसाब से अपने घरों में अपने खेतों में अपने पोली हाउस में जो भी खेती चालू किए वो नौकरी से आगे जा रही है तो कई ऐसे क्षेत्र हैं चाहे व्यापार हैं खेती हैं उद्योग हैं उस साथ साथ में मतलब शिक्षा है तो प्राइवेट स्कूल बन रही है साथ साथ में मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे मेरे वहाँ कम से कम बारह प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो सुविधाएं जयपुर में है वो पूरी पूरी सुविधा सांचोन में है मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग प्राइवेट कई आई आईआईटी करके उनके क्षेत्र में भी जा रहे हैं और, और एट होम काम कर रहे हैं बाहर विदेशी कंपनियों से काम कर रहे हैं कुल मिला करके गहलोत साहब का दो का मिशन ये है हर क्षेत्र का अंदर टच किया जाए ताकि उनकी इनकम दस गुना आज है, तो है आपके पास जो मंत्रालय है ना बड़ा मुश्किल वाला मंत्रालय है अक्सर ये कह दिया जाता है कि भैया नौकरी हमें कब मिलेगी प्रेशर रहता है विपक्षी खेमे का भी एक बड़ा दबाव रहता है कि इस सरकार में कितनी नौकरियाँ तो ये सब टैकल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है बात आप सही कह रहे हो कि प्रत्येक आदमी चाहता है कि मतलब मैं आराम की नौकरी करूँ मेहनत की नौकरी नहीं करूँ परंतु नौकरी जो भी नौकरी होगी जो भी ड्यूटी होगी जिस तरह का मान लो एक स्किल पर्सन है एक अनस्किल पर्सन है एक टेक्निकल हैंड है तो जैसा आदमी है उसके अनुसार नौकरी आज पर्याप्त है आज आप महसूस करोगे कि काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे राजस्थान की हालत है खेती के अंदर मैं खुद किसान परिवार से हूँ मैंने खेती के लिए एम पी यूपी से लोग या खेती के लिए आते नेपाल से लोग आते आज ये स्थिति है कि मतलब आदमी मिल नहीं रहे हैं ये स्थिति है मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब तकनीकी तरीके से खेती होगी तो यहाँ के लोग इसमें रुचि लेंगे Uh, मेरे वहाँ कमांड एरिया है यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो माई योजना है इसका डी पी आर बनने के लिए प्रोसेस चालू किया है यहाँ की जालौर जिले की मांग थी उस मांग के अनुसार यहाँ भी चालू किया ताकि यहाँ भी पानी मिलेगा कुल मिला कर के हरेक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपन टच करेंगे तभी हरेक आदमी को रोजगार दे पाएंगे गहलोत साहब ने मिशन तीस इसलिए रखा है कि प्रत्येक क्षेत्र को टच करते हुए किस तरह से आगे बढ़ाया जाए कल इसका इनोग्रेशन कर दिया गया है बाकायदा बुकलेट छापी गई और लोगों की जो राय है राय जो लोगों की आई उनकी भी किताबें छापी गई लोग क्या चाहते हैं उनके अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास गलो सरकार कर रही है अच्छा सर नौकरी रोजगार को लेकर के एक और चीज भी है जो देखी जाती है कि एक तरफ आप ऐसे लोग हैं जो कि स्किल्ड नहीं है नौकरी करना चाहते हैं दूसरी तरफ कंपनीज हैं जिनको चाहिए ऐसे स्किल्ड पावर लोग जो कि उनकी नौकरी में आकर के काम कर सकें तो ये बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए क्या होना चाहिए क्योंकि कई क्यों जगह राजस्थान सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया आई स्टार्ट भी चलाया गया और तमाम ऐसे दूसरे कार्यक्रम भी हैं जिसके जरिए बच्चों को टेक्निकली उनको ज्ञान दिया जाता है उनको एनहैंस किया जाता है उनको शिक्षा दी जाती है उन कोर्सेज के जरिए जो कंपनीज को चाहिए और उसके बाद उनको वहां पर कनेक्ट किया जाता है इसको हमें तेज़ करने की क्या जरूरत है दो में इसको लेकर के क्या बदलाव होगा जयपुर जोधपुर में कई शहरों में ये इस तरह के सेंटर खोले गए आई स्टार्ट ताकि वो लड़का आठवीं के पास करने के बाद कोई धंधा करना चाहता है तो सरकार उसको बकायदा लोन मुहैया करेगी दसवीं के पास चाहता है तो उसके बाद करवाएगी जिस जिस तरह से जिस विद्यार्थी को जो जॉब करना चाहता है उसी के अनुरूप सर, सरकार उसको प्रेरित करेगी ताकि आगे जा कर केवल मात्र सरकारी नौकरी की आस न कर करके दूसरी तरफ व्यापारिक तरफ दूसरी तरफ ध्यान दे ताकि उन तरफ लोगों का विद्यार्थियों का ध्यान होगा तो कम से कम जिस विद्यार्थी जिस काम में रुचि है उस रुचि के अनुसार काम मिलेगा तो मन लगा कर काम करेगा और आगे बढ़ेगा ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच है और इसी के लिए हमने देखा कि नए नए स्टार्टअप्स अब राजस्थान के अंदर नजर आ रहे हैं और एक बड़ी संख्या है जो कि कम एज के अंदर लोग स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन सर सरकारी नौकरी का आपने जिक्र किया था कि सिर्फ निर्भर हमें सरकारी नौकरी पर नहीं रहना है हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ हमें इंडस्ट्रीज की तरफ हमें कंपनीज की तरफ भी जाना होगा तो इसके लिए नई कंपनीज का आना भी बड़ा जरूरी है उसके लिए क्या विजन है मान्य गहलोत साहब ने प्रत्येक वर्ष आ, मेला लगाया उस मेले में काफ़ी उद्योगपति आए और उद्योगपतियों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट चालू भी किया है मेरे जालोर जिले में हमने कार्यक्रम रखा था और यहाँ भी काफी उद्योग आप तो ये आप ग्रेट नाइट नगरी है यहाँ भी कई उद्योग लगे हैं हर लोक स्तर पर भी इस छोटे मोटे उद्योग लगे हैं एक लोगों की रुचि उद्योग के प्रति पैदा हुई है ताकि उद्योगपति जो उस फैक्ट्री का मालिक है वो रोज़गार खुद कमाए धन कमाए साथ में जो दूसरे रोजगार लगे आदमी रोजगार लगे उनको भी उनमें राशि मिले ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें कुल मिला करके हमारे जो उद्योग मंत्री है शुलाल जी रावत है पूरे दुबई भी गई थी और वहाँ भी प्रयास किया था बाहर के लोग भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाहर के जो आउट ऑफ राजस्थान के लोग वो भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं कुल मिलाकर के ये जो भावना राजस्थान के प्रति बनी हुई वहाँ पानी नहीं है वहाँ मतलब समय पे काम नहीं होता कन्वर्सन नहीं मिलता वो सब बातें हट करके व्यापार यहाँ मन लगा रहे हैं उद्योगपति बकायदा यहाँ नए नए उद्योग स्थापित कर रहे हैं सर अभी मुख्यमंत्री साहब ने मिशन दो को लेकर के जो जनता की तरफ से सुझाव लिए गए थे वो उनके पास पहुँचे आपको क्या लगता है आ, एक व्यक्ति का तौर पर मिशन 2030 के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या सोच है सर आप बतौर एक मंत्री के तौर पर नहीं एक आम नागरिक के तौर पर एक राजस्थानी होने के नाते आप क्या सजेशन देते हैं देखो प्रत्येक परिवार की मुखिया की जिम्मेवारी बढ़ती है कि ये मेरा बेटा जो जन्म लिया है ये बिल्कुल सुखी संपन्न रहे इसको कोई तकलीफ नहीं आए इस तरह की सोच एक परिवार का मुखिया रखता है गहलोत साहब की सोच है कि कम से कम आने वाले पाँच सात सात आठ साल तक हम किस तरह से आगे बढ़ें हमारा प्रदेश किस तरह से प्रगति करें उनकी मन की सोच है केवल मात्र देश के चुनाव को नहीं देखना है चुनाव के हट करके आगे हम आने वाले दस साल तक किस तरह से प्रदेश को आगे ले जाए वो हर क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और स्वास्थ्य की आप बात करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल के अंदर एक उदाहरण बना पूरे मतलब हिन्दुस्तान के सामने और भीलवाड़ा मॉडल पूरे राजस्थान के सामने उदाहरण बना किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में व्यवस्था की है और बिल, बिल्कुल गहलोत साहब बिल्कुल दिन रात मेहनत करके बिल्कुल कंट्रोल रखा और आप लोग महसूस करोगे कि उन्होंने बाद में एक कार्यक्रम पेश किया निरोगी राजस्थान निर्वीय राजस्थान के अंदर नारा दिया कि जो जैविक खेती करेगा और वैश्विक तरीके जो कार्यक्रम को चलेगा उनको हम बाकायदा सहायता देंगे उनको मदद करेंगे तो मेरा आपसे यही कहना है कि गहलोत साहब का जो हजार का मिशन है वो राजस्थान को आगे बढ़ाएगा परिवार को आगे बढ़ाएगा गांव को आगे बढ़ेगा और एक सोच पैदा करेगा आने वाले तमाम लोगों के सा, सामने तमाम जनप्रतिनिधि सामने कि आज की मत सोचो आने वाले युग की सोचो ताकि आपकी औलाद ये कहे कि हमारे पुरखे कितने मजबूत थे हमारे कितने होशियार थे कि वो वर्तमान की सोच करके आगे की सोच रहे थे इसलिए ये जो मिशन दो है ये बड़ा कामयाब मिशन है और ये बहुत फलीभूत होगा लोगों इनको मतलब लोगों को लोग, लोगों को ये एक नया संदेश देगा बिल्कुल ये एक नया विजन है नई सरकार की सोच है और एक बारी ताली बजा दे दी दिए सर ने बड़ा बेबाकी के साथ जवाब दिया सर तो वीरता विरासत संस्कृति सभ्यता राजस्थान इस सबको संजो करके विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ कदम ताल बढ़ा करके देश के अंदर अव्वल बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है बात हमने इस पूरे सेशन के अंदर न सिर्फ 2023 की की है बल्कि 2030 को लेकर के जो सरकार का विजन है ये भी हमने जानने की कोशिश की है